नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। दोस्तों, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 कलाकार ऑलरेडी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ हैं। उनकी चर्चा तो नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह की हो रही है। पवन सिंह जो है वो काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट लेने का इंतजार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते उनको जो है आसनसोल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन वो आसनसोल से तैयारी के बावजूद भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करके इंतजार कर रहे थे कि बिहार की किसी एक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा तमाम सीटों को लेकर बात हुई, बलिया लोकसभा सीट की बात हुई, इसके अलावा आसनसोल लोकसभा सीट की भी बात हुई, लेकिन पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन पवन सिंह ने वादा किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, माँ को बोल दिए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने काराकट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए हैं। अब निर्दलीय उतरने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें जो है उन्होंने बढ़ा दिया है। इस कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व MLC रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब उन्होंने निशाना साध दिया है। निशाना साधते हुए जो बयान दिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पवन सिंह को लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि भाई इधर उधर का नाम क्यों लेना है, काराकट की जनता को पता है कि किसको वोट देना है, सब जानती है जनता, हमको पता है और जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और ऐसे वैसे लोगों का नाम जो है यहाँ पर क्यों लेना है। संकल्प पत्र को लेकर भी उन्होंने बात कही और उन्होंने मोदी की गारंटी को गारंटी बताया, कहा कि मोदी की गारंटी जो है 100% जो है वो श्योर होती है। आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा NDA का कैंडिडेट है, CPIML से राजाराम कुशवाहा है, तो वहीं पवन सिंह उतर कर मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भैया चुनावी मैदान में जब ये तीनों कैंडिडेट उतरे हैं, पवन सिंह पावर स्टार है, तो किस तरीके की लड़ाई नजर आती है। बाकी जिस तरीके की उपेंद्र कुशवाहा ने बात कही है उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स।